हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमोन पोकीवर्स के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड आपने देखा कि हमने विक्ट्री रोड को क्लियर किया, अपने राइवल से बैटल किया, उससे डिफीट किया और उसके बाद हम पहुंचे इंडिगो प्लेटो। तो इंडिगो प्लेटो हम आ चुके हैं और होप आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, बट नहीं देखा है तो जाके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब लाइट फोर की तरफ। और आई थिंक एज यूजुअल जो मैं आपको पहले अपने पोकेमोन दिखा देता हूँ, इन्फर्निट, एम्बोर, अलकाजम, गेंगा, चारिजार्ड और ग्रेनिंजा, इनको मैंने अच्छा खासा ट्रेन कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम लाइट फोर की तरफ। तो पहला मेंबर एज यूजुअल लॉरेलाय ही है और मेरा पोकेमोन ऐसे सही। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक नर्व जॉय भी है हर पोकेमोन बैटल के बाद हील देने के लिए। वेलकम टू द पोकेमोन लीग, आई एम लॉरेलाय ऑफ द लाइट फोर। नो वन कैन बस्ट मी व्हेन इट कम्स टू द आईसी पोकेमोन। फेजिंग मूव्स आर पावरफुल, द पोकेमोन विल बी एट माय मर्सी व्हेन दे आर फ्रोजन सॉलिड। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी एंड लेट्स बैटल लॉरेलाय। और लॉरेलाय मेन कोई हमें इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, लेवल 70 की ही भी है तो समस्या तो हो सकती है। चलिए हाइजन के साथ स्टार्ट करते हैं और मेरे हिसाब से वन हिट तो हो जाना चाहिए मेलोटिक। ओके दैट्स ऑसम। ओके यार, सारे पोकेमोन जो लेवल अप होते हैं ना उसका काम है। और एम्पोलियन के लिए भी हम हाई जंप के ही यूज करेंगे। ग्रेनिंजा को कम से कम, ओए बच कैसे गया ये। और साइकिक हम पे सुपर इफेक्टिव होने वाली है। ओके नॉट गुड। और इसके पास सिट्रस क्वेरी भी है भाई साहब, बहुत सही है यार ये तो। इस हाई जंप के साथ तो ये मैं पड़ जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, और इसका तीसरा पोकेमोन है सर्टीरियर। लेट्स गो विद हाई जंप टेक अगेन। और सर्टीरियर फास्ट निकला इंफिनिट से। ये कैसे हो सकता है यार, इंफिनिट भी एक अच्छा खासा स्पीडी पोकेमोन है। चलो अलकाजम को देखते हैं अलकाजम क्या कर सकता है। लेट्स गो विद फायर पंच, आइस टाइप के खिलाफ फायर पंच। ओके ये आइस एंड वाटर टाइप पोकेमोन है तो ये हमारे लिए दिक्कत वाला खेल है। हाइड्रोपॉम, ओके लेट्स गो विद रॉक स्मैश। ओके ज्यादा डैमेज नहीं देगा रॉक स्मैश, ओके कोई बात नहीं, एक और पोकेमोन की कुर्बानी देनी थी हमें। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत वाला खेल है। एम्बोस सर्वाइव कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमारे लिए और प्रॉब्लम हो सकती है इसके बाद। यार आई थिंक एम्बोस विल सर्वाइव। हाँ चलो बहुत बढ़िया, हम फ्रेंजी प्लान इसको वन हिट तो कर ही देंगे। इससे मैं वन हिट नहीं किया तो फिर तो चलो बहुत बढ़िया। उसका चौथा पोकेमोन है मैग्मोटर और मैग्मोटर हमसे बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा आ गया है क्योंकि एम्बोर बहुत ज़्यादा बल्की है। चलिए लेट्स यूज गेंगार एंड देखते हैं क्या होता है। बट मुझे इन्फिनिट को वापस जिंदा करना है, मतलब रिवाइव देना है इन्फिनिट को, तभी हमारा कुछ आगे हो पाएगा। मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है तो उसके लिए सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट्स यूज साइकिक और कर दे भाई वन हिट कर दे। अभी 400 बज गया यार ये। और ऑक्टा जूका, ये पता नहीं क्या करेगी हमारा, हमें भी जरा सा ही बचाया है और हमारी वो भी फेल गई थी है एक्यूरेसी भी। चलो देखते हैं हम आगे क्या कर पाते हैं, नहीं कुछ नहीं कर पाया। लेट्स सुपर रिस्टोर,
ओ सुपर नहीं यार, फुल रिस्टोर, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। इनफन ऐप को फुल रिस्टोर दे देते हैं, आज तो काम सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दो पोकेमोन हमारे पेंटेड रहेंगे, बट इनफन ऐप बहुत बढ़िया काम कर जाएगा इधर। तो लेट्स गो विद इनफन ऐप अगेन और लेट्स यू हाई जंप किक अगेन। हालांकि वॉल टैकल भी इन पर अच्छा खासा डैमेज देगा, बट मैं वॉल टैकल इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें खुद को भी रिकॉयल हिट करता है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे स्टीलिंग भी मेरे हिसाब से वन हिट हो जाना चाहिए हाई जंप किक से। चलो वन हिट नहीं हुआ, बट हाँ उसने खुद ही अपने आप को ख़त्म कर दिया। चलो ये सही है, चंपन है तू मच जाना। चलो कोई नहीं बच जाएंगे हम, चल जाएगा इतना काम। इसका लास्ट पोकेमोन है सेलेमेंस। ओके सेलेमेंस के लिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, हाई जंप किक वन हिट कर सकता है सेलेमेंस को। चलो बहुत बढ़िया। एंड हमने अपना फर्स्ट बैटल जीत लिया है लाइट फोर से। लेट्स सी लोरेलाई का क्या कहना है। You are better than I thought, go on ahead. You only got a taste of the Pokemon League's power. चलो let's heal. And मैं वैसे सोच रहा था एक-एक करके बैटल करें, एक-एक एपिसोड डालूं बस मैं, बट ठीक है अभी हम दो-दो उनको बैटल करते हैं, मतलब दो एलाइट फोर के साथ एक साथ बैटल करते हैं, उसके बाद उसी एपिसोड को एंड कर देंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी, पहले मैं एक-एक के साथ सोच रहा था, बट ठीक है। आई एम ब्रूनो ऑफ द एलाइट फोर, थ्रू रिगोरियस ट्रेनिंग पीपल एंड पोकेमोन कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। सही बात है, विदाउट लिमिट। ओके ये भी सही है। आई लिव एंड ट्रेन विद माई फाइटिंग पोकेमोन एंड दैट विल नेवर चेंज। मनोज वी विल क्रेड यू डाउन विद आवर सुपीरियर पावर। हूहा देखते हैं भाई, देखते हैं क्या कर पाता है। ओके इसका पहला पोकेमोन है इलेक्ट्रोवायर। लेट्स जस्ट फ्लाई। इसने बल्क अप यूज किया है जो कि हमारे लिए दिक्कत वाला खेल बन सकता है। फ्लाई वन हिट कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। अबे यारो पैस की डांग, इसकी सेकंड टाइम बल्क अप यूज किया है इसने। अटैक और डिफेंस दोनों रोल होते हैं इससे, तो ये हमारे लिए बहुत खराब चीज है। और फुल रिस्टोर भाई इन्फिनिट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूनो को डिफीट करके उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। With
waited, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, तो भाई गेंगार सच में इस ब्रूनो को डिफाइट करने में बहुत ज़्यादा काम आया है। माय जॉब इज डन, गो फेस योर नेक्स्ट चैलेंज। तो चलिए गाइस, फाइनली हमने दो ट्रेनर्स करा दिया, दो डिलाइटफुल मेंबर्स करा दिया और यहीं पे हमारा वीडियो एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।